नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। शुरुआत इस वक्त की आज शाम की सबसे बड़ी खबर से। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफताब को पुलिस की वैन ले जा रही थी, जिसे दिल्ली में तलवारों से लैस लोगों ने हमले की कोशिश की। गिरफ्त में आए आरोपियों ने खुद को हिंदू सेना का सदस्य बताया और ये कहा कि उनका लक्ष्य आफताब को काटना था, उसके 70 टुकड़े करना था। हत्या के आरोपी को देखते हुए तलवारों के साथ टूट पड़े कट्टरपंथी, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने इनकी मंशा पर पानी फेर दिया। पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पर हमले की कोशिश करने वालों को दबोच लिया। आफताब पर यह हमला दिल्ली के रोहिणी FSL के बाहर हुआ। हमले के दौरान आफताब वैन में सवार होकर निकल रहा था, तभी वहां कम से कम 3 से 4 लोगों ने गाड़ी पर अटैक करने की कोशिश की। हमले की वीडियो में 2 लोग तलवार के साथ दिख रहे हैं और वो आफताब को धमकी देते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आफताब पर हमले की कोशिश के 2 आरोपियों को दबोच लिया। ये दोनों खुद को हिंदू सेना का सदस्य होने का दावा कर रहे हैं। निगम गुर्जर नाम के एक हमलावर ने दावा किया कि वो आफताब को 70 टुकड़े करने आया था। जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे जी के? मैडम, हम मारेंगे इनको। हम पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। पुलिस सेफ्टी कर रही है हमारी बहन। वो जांच का विषय है ना, पुलिस क्या कर रही है? मैडम, मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? हक मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। कल को मैं अपन नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट है। कौन से संगठन से है जी? डर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? मैडम, आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। हिरासत में लिए गए आरोपियों के मुताबिक गुड़गांव से 15 लोग आफताब पर हमला करने आए थे। पुलिस को हमलावरों की कार से तलवार, हथौड़े और विकेट मिले। पुलिस का कहना है कि वो गिरफ्त में हमलावरों के साथियों की तलाश कर रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस की चूक भी साफ नजर आ रही है। विनय सिंह, दिल्ली न्यूज 24। और इस पर और बात करने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनय सिंह के पास। विनय घटनास्थल पर मौजूद हैं। विनय, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमलावर पुलिस हिरासत में है, और क्या बता रहे हैं ये, और अब इस मामले में आगे क्या चल रहा है? देखिए, अभी कुछ भी नहीं वो बता पा रहे हैं, और यह पुलिस अधिकारी मीडिया को नहीं बता रही है, क्योंकि बहुत जल्दी होगा। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद कल तक मीडिया के आगे पुलिस अधिकारी बताएंगे। वहीं 2 हमलावर थे, एक का नाम निकम गुजर बताया जा रहा है, दूसरे का नाम कुलदीप ठाकुर बताया जा रहा है। ये दोनों, और ये भी बताया जा रहा है, ये गुड़गांव से आए थे, अपने आप को हिंदू सेना का बता रहे थे। दरअसल जिस समय ये घटना हुई वो वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि 3 बार अब तक आफताब पेश हो चुका है और अब तक कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई। और पुलिस की जो, जब भी उसको यहाँ पर पेश किया गया है, पुलिस का कोई ऐसा बहुत बड़ा सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी। बहुत इजीली एक गाड़ी में आता था और पुलिस के कुछ लोग उसके साथ में होते थे और उसको लेके चले जाते थे। 3 बार वो पहले भी FSL में आ चुका है, जहाँ पर उसका पोलीग्राफ टेस्ट हुआ है। वहीं आज जब शाम को करीब 6:50 के आसपास, सुबह 9:50 के करीब उसे लेकर आया गया था, और शाम को जब 6:50 पर उसको यहाँ से लेके जाया जा रहा था, क्योंकि उसको सीधा तिहाड़ जेल से लाया गया था और तिहाड़ जेल की वैन में लेकर आया गया था, और तिहाड़ जेल की वैन जब यहाँ से लेकर उसको जा रहे थे, तब बहुत ही अगर मैं ये कहूँ डेयरिंग तरीके से वो जो बदमाश थे या हिंदू सेना के अपने आप को कार्यकर्ता जो बता रहे थे, उन्होंने आकर गाड़ी जो है, गाड़ी अपनी पुलिस वैन के आगे आके रोक दी और वहाँ पर उन्होंने तलवारें निकाल ली। तलवारें भी हमने दिखाई, गाड़ी के अंदर तलवारें की कवर अभी तक पड़े हुए थे, जो कि पुलिस अब 1 घंटे पहले उसने उठाया। 7 बजे की घटना है, 8 बजे करीब पुलिस ने वो कब्जे में लिया। 1 घंटा पुलिस ने यहाँ पर भी देरी करी कि उसको कब्जे में नहीं ले पाई गाड़ी को। और वहीं जिस समय उन्होंने अपनी तरफ से वो हथियार लहराए, तो वो जो तिहाड़ जेल की गाड़ी में एक पुलिस ऑफिसर था, उसने। धन्यवाद इस अपडेट के लिए विनय सिंह। तो ये दोनों हमलावर जो पुलिस की गिरफ्त में, खुद को हिंदू सेना का सदस्य बता रहे हैं।